हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एवरीवन्स फाइन बेटा. आज इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल्स बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि चरों का त्रिकोणमितीय फलनों द्वारा प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करेंगे. ये हमारे पास एक इंटीग्रल है 1/a² + x² / dx. अब इसको हम सोचो कि किस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते. तो सबसे पहले आप ये देखेंगे जो x है ना, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सब्स्टिट्यूट करेंगे. जैसे लेट नेक्स्ट में x इक्वल्स टू, अगर मैं tan थीटा लेट करता हूं तो यहां क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा. और ये जो a स्क्वायर है ना, इसको कॉमन लेने के लिए यहां भी a स्क्वायर होना जरूरी है, इसलिए मैं यहां पर इसके साथ में a ले लेता हूं. तो x इक्वल्स टू, अगर मैं a tan थीटा लूंगा तो इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसानी से हो जाएगा. देखिए इसका डिफरेंशियल करते हैं, x का तो 1 हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में a, और tan थीटा ना तो इसको कर देंगे sec स्क्वायर थीटा, थीटा का हो जाएगा d थीटा / dx. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो dx इक्वल्स टू हो गया a sec स्क्वायर थीटा और ये d थीटा. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसके अंदर, इंटीग्रेशन बन गया dx जगह आ गया a sec स्क्वायर थीटा और ये d थीटा. यहां पर बात करते हैं a स्क्वायर पड़ा है और x की जगह क्या लिखेंगे, a tan थीटा. x स्क्वायर है तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा. अब आप इसमें देखो ये वन हटा दें ऊपर आ गए a sec स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां पर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा 1 + tan² θ और ये हो जाएगा d थीटा. यहां पर देखो 1 + tan² θ कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा. तो इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास, ये a बड़ा है sec स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर एंड ऑल्सो sec स्क्वायर थीटा. 1 + tan² कितना हो गया sec स्क्वायर और ये d थीटा. sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल, एक ये मेरे पास बच गया. तो मेरे पास फाइनली क्या बचा, 1/a, ये तो कांस्टेंट है बाहर में ही, और ऊपर क्या बचा, ये 1 बच गया, 1 × d थीटा. तो 1/a d थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ओनली थीटा और प्लस c. अब थीटा की वैल्यू यहां से अचीव कर ली है, तो सबसे पहले a को अपॉन में ले आओ और tan इधर से होगा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यानी इनवर्स अप्लाई कर लो दोनों तरफ, x अपॉन a इक्वल्स टू थीटा. ये वाली जो वैल्यू है ना यहां पर पुट करो, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c. तो आपके इंटीग्रल क्या बना गए, वापस लिखिए आप इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² dx इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c. ये आपको एज ए फॉर्मूला लर्न करना है, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ये ध्यान रखें. तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको x इक्वल्स टू a tan थीटा लेने से लेकर करेंगे ना, तो बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा और इसको एज ए फॉर्मूला हम यूज करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करके काम करना है. तो x इक्वल्स टू मैं इसमें क्या लेना चाहूंगा, a sin थीटा. मतलब a sin थीटा क्यों लिया, क्योंकि यहां से बहुत जल्दी फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा इस वजह से. तो इसका डिफरेंशिएशन करें, x का 1 हो जाएगा a, साइन का कितना हो जाएगा cos थीटा और थीटा का हो जाएगा d थीटा / dx. इसमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, dx इक्वल्स टू a cos थीटा और ये d थीटा. तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, dx ये तो आ जाएगा a cos थीटा d थीटा अपॉन, यहां पर ये है a स्क्वायर माइनस x की जगह क्या लिखेंगे भाई, a sin थीटा.
तो स्क्वायर है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां पर ए कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो और ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा एन डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा अपॉन ये रूट टूगेदर ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो कहां तक पहुंच गए इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा अपॉन ये भी ए कॉस थीटा ही हो जाएगा कैसे रूट है ना तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे ए से गया कॉस से कॉस गया तो मेरे पास अब क्या बन गया ध्यान से देखो इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डी थीटा इसका कितना हो जाएगा थीटा प्लस सी। अब आप देखो थीटा की वैल्यू कहां से निकालेंगे यहां से पहले तो अपॉन में ए भेज दो यानी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए ये वैल्यू आप सेट कर दो इसमें तो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बना बेटा बहुत ध्यान से देखें इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए ये अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लैड करेंगे एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स को हटा करके ए साइन थीटा उसकी जगह यूज कर लेंगे और बड़े आराम से आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको आपको याद कर लेना है एज ए फॉर्मूला हम आपके यूज करेंगे वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस। इसके लिए देखो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहां पर एक्स की जगह में ए टेन थीटा लूंगा क्यों लेंगे भाई क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा बहुत जल्दी अचीव हो जाता है इस वजह से इसका डिफरेंशियल करें एक्स का वन हो जाएगा ए इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा थीटा का हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा है डी। अब आपके पास में डी एक्स की जगह लिखना है ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपॉन यहां पर बहुत ध्यान से एक्स स्क्वायर यानी एक्स की जगह ये वैल्यू है ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर यहां से ए स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूं और बाहर अगर आ जाता है तो ए स्क्वायर क्या बन जाएगा रूट से बाहर आएगा तो ए बन जाएगा और रूट के अंदर क्या बच गया यहां तो बच गया टेन स्क्वायर थीटा और इसकी जगह ए वन और ये डी ए से ए कैंसिल ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन यहां पर देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा ऊपर रूट है तो ओनली सेक थीटा आ जाएगा डी एक सेक से एक सेक कैंसिल फाइनली मुझे क्या मिला इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा और डी थीटा सेक थीटा का फॉर्मूला याद कर रहा था मैंने लॉग ऑफ क्या आएगा याद करो सेक थीटा प्लस टेन थीटा एन प्लस सी सी की जगह सी वन कर दो आगे यूज करना सी को। अब हम सेक थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू डालना चाहेंगे तो लॉग ऑफ सेक थीटा सेक को ले सकता हूं मैं रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा वैल्यू है नहीं और ये टेन थीटा प्लस सी वन। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स अपॉन ए लॉग ऑफ रूट ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन ए स्क्वायर रहते हैं आप स्क्वायर लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगी एक्स अपॉन ए एन प्लस सी लॉग ऑफ अब इसका एलसीएम ले लो ए स्क्वायर एलसीएम यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए एन प्लस सी।
अब देखो ए स्क्वायर का रूट निकालेंगे खाली ए बचेगा, मींस लॉग ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वन ए प्लस ये एक्स अपॉन ए एंड प्लस सी वन सी वन। अब आप इसमें देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई बचा है, इसको हटा दो यानी कि लॉग ऑफ उसका एलसीएम ले लें ए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स एंड प्लस सी। अब यहां पर एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम अपॉन एन, क्या हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन यानी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये पूरा हटाना पड़ेगा। तो माइनस का लॉग ए टू दी बेस ही चलता है दोनों में प्लस सी। अब यहां ऑब्जर्व करो सी वन क्या है कांस्टेंट है और लॉग ए भी क्या है कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट में से दूसरा कांस्टेंट माइनस करते हैं तो नया कांस्टेंट ही आता है, तो इसको लिखेंगे लॉग ऑफ इस एक्स को मैं पहले लिखना चाहता हूं याद करने की इजी रहेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो बोले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो एलजोबिस और ये प्लस क्या कर देंगे सी। अब हमारे पास में सी वन के सी वन माइनस लॉग ए को खाली सी कहते हैं तो हमारे पास क्या मिला इससे, इससे मेरे को मिला कि भाई अगर आपके पास इंटीग्रल है वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स तो इसका आंसर क्या बनेगा लॉग ऑफ एक्स प्लस ये वाली पूरी वैल्यू बल्कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना पूरी बेस की एन प्लस सी, ये इसका आंसर। इसको आपको एज ए फॉर्मूला लर्न करना है, आगे हम एक्सरसाइज सब करते हैं ना इसके क्वेश्चंस करते हैं तो एज ए फॉर्मूला यूज करते हैं। अब आप इस क्वेश्चन में देखो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके अंदर एक्स इक्वल्स टू क्या लेना पसंद करोगे ए सेक, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा एक्स का वन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये वापस करो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा मेरे पास डी एक्स के लिए देंगे ए sec थीटा tan थीटा और डी थीटा अपॉन में थोड़ा ध्यान से x की वैल्यू लिखनी है ए स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, हमने इसको लेट ऐसा ही किया जिससे कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन सके। अब ए sec थीटा tan थीटा तो पता है ही है और ये ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो बाहर आके सिर्फ ए हो जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर आ रहा है और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस वन और ये से कैंसिल, यहां पर है मेरे पास sec थीटा tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना होता है tan स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है तो खाली tan थीटा हो जाएगा tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, सिर्फ मेरे पास क्या बच गया sec इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा और d थीटा। अब आप इसके अंदर sec थीटा के बारे में थोड़ा सोचो कि क्या आएगा sec, अभी लिखा था पिछले क्वेश्चन के अंदर तो sec के अंदर हो जाएगा log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा n प्लस c। अब यहां पर ना बहुत ध्यान से वैल्यू किसकी पता है sec थीटा की पता ना एक्स अपॉन ए हो जाएगी वो तो लिख ही दो प्लस tan थीटा को लिख सकते हैं रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस प्लस सी, तो log ऑफ ये एक्स अपॉन ए प्लस
स्क्वायर रूट देखो sec स्क्वायर कितना sec का क्या कितना x अपॉन a तो यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस अब आप a स्क्वायर यहां पर एलसीएम आ जाएगा x अपॉन a प्लस रूट के अंदर a स्क्वायर और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c यहां c की जगह आप चाहें तो c1 ले लें आगे मेरे को पता है कन्वर्ट करना है तो कांस्टेंट c की जगह c1 ले सकते हैं अगर a स्क्वायर रूट से बाहर आए तो a बन जाएगा और इसका एलसीएम बन जाएगा दोनों का a क्योंकि रूट के अंदर था ना बाहर a बन जाता है तो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर n प्लस c अब देखो log m upon n यूज करेंगे यहां पर log m upon n में log of x plus square root x square minus a square minus log a n plus c c1 में से अगर log a को माइनस करूंगा दोनों ही कैसे हैं दोनों ही कांस्टेंट है तो हमारे पास मैं इसको रिमूव कर देता हूं तो मेरे पास आएगा log of x plus square root x square minus a square n plus c ये c किसकी जगह है c1 minus log a c1 एक कांस्टेंट है log a भी कांस्टेंट है एक कांस्टेंट में से दूसरा कांस्टेंट अगर माइनस करेंगे तो नया मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा दैट इज c तो हमारे पास जो आंसर जनरेट हुआ ना ये क्या हो गया log of x plus root x square minus a square तो क्या होगा integration of root x square minus a square dx is equals to log of x plus square root of x square minus a square n plus ये आपको पूरा वर्ड से याद करना है और as a formula ये आपके use होगा बहुत केयरफुली इसको लर्न कर लेंगे एक स्टूडेंट्स आप इसमें ये ध्यान रखो x इक्वल्स टू उस चीज को लैड करना है जिससे कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बने ताकि हम सिंप्लीफाई बड़े आराम से कर पाए ठीक है और ये इंटीग्रेशन आप थोड़ा सा इन फॉर्मूलों को लर्न करें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को लर्न करें क्योंकि इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा है तो बहुत आराम से आप ट्रिग्नोमेट्री याद कर लेंगे और क्वेश्चन कर पाएंगे एक एज ए फॉर्मूला याद करेंगे अपन इसको आगे यूज करें ठीक है एक वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग